हमने यही ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई करना है फॉर ग्रुप डेटा। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सेम हमारे पास वेट ऑफ एप्पल्स का डेटा है, वेट ऑफ 60 एप्पल्स का डेटा, जो 65 to 84 वेट्स में हमारे पास 9 एप्पल है, 85 to 104 ग्राम में हमारे पास 10 एप्पल है, 105 to 124 ग्राम में हमारे पास 17 एप्पल है। हमने ये फाइंड करना है कि ऑन एवरेज एप्पल का वेट क्या है, ठीक है। तो फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है, इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन हमने क्या करना होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन का लॉग लेना है, लॉग वैल्यूज को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ, हर क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, देन हमने उसका समिशन फाइंड कर देना है, और फिर हमने यानी टोटल फाइंड कर देना है, उस टोटल को हमने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। इनकेस ऑफ ग्रुप डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वल होते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हमने सिंपली एंट्री लॉग ले लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर n हमारे पास 60 है, इट्स मीन समेशन f की जगह हम क्या पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे, ठीक है। आप इस फार्मूले में यहाँ पे n लिख लें, ठीक है, और n हमारे पास क्या होगा, 60 की इक्वल होगा, और 60 कहां से आएगा, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को टोटल करने से आएगा। अब रिक्वायर्ड कैलकुलेशन क्या है, फॉर्मूले को देखें, फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला है आपके पास, अच्छा फार्मूले को देखें, फार्मूला है आपके पास लॉग ऑफ एक्स। सबसे पहले तो आपको x चाहिए, ये डेटा जो आपको गिवन है ये ऑब्जर्वेशन क्लास लिमिट्स की फॉर्म में है। क्लास लिमिट्स से सबसे पहले क्लास लिमिट्स तो आपके पास, आप उसको x से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्लास लिमिट जो है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, वो हमारे पास रेंज फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले हमने क्लास लिमिट्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और सिंगल वैल्यू हमारे पास कहां से आती है, क्लास मार्क से, और मिड पॉइंट फाइंड करने से आती है, ठीक है। मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट हम x से करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास लिमिट्स का हमने मिड पॉइंट निकालना है, जो कि कैसे आएगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में बंद करना है, 65 प्लस 84 जो वैल्यू आएगी उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 पर, तो हमारे पास आएगा 74.5, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 85 प्लस 104 ब्रैकेट को बंद कर देना है, जो वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है 94.5, जो वैल्यू आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पर, तो आपके पास आएगा 114.5। सिमिलरली 125 प्लस 144 जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है 134.5 पे, तो ये आपके पास मिड वैल्यूज आ जाएंगे जिनको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ नहीं करना, हमें देखिए आप फार्मूले में देखिए लॉग ऑफ एक्स कहा गया है, तो सबसे पहले जो आपके पास एक्स की वैल्यूज आई है, मिड पॉइंट आया है, जो ऑब्जर्वेशन आई है, इस एक्स की वैल्यूज का आपने लॉग ले लेना है। आप पहले लॉग लेंगे 74.5 का, तो आपके पास आएगा 1.8722। अब लॉग आप कहां से लेंगे, अगेन आप अपने कैलकुलेटर की तरफ जाएं और आप लॉग की बटन प्रेस करें, और साथ में आप प्रेस करें 74.5 समथिंग जो भी है, ठीक है, हाँ 74.5 प्रेस करें, इक्वल टू का जो बटन है वो प्रेस करें, आपके पास आएगा 1.8722। देन आपने लॉग ऑफ 94.5 लेना है, इक्वल टू का निशान की बटन प्रेस करें, आपके पास आएगा 1.9754। लॉग ऑफ 114.5 फाइंड करना है उसके लिए आपने सिंपली लॉग की बटन प्रेस करेंगे, 114.5 लिखेंगे, इक्वल टू की बटन प्रेस करेंगे, आपके पास आएगा 2.0589। ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, तमाम वैल्यूज आपने इसी तरह फाइंड करनी है, हर एक मिड पॉइंट का आपने लॉग फाइंड करना है, हर एक एक्स वैल्यूज का, ये देखिए एक्स की वैल्यूज है, इनका आपने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। अब अगेन फार्मूले की तरफ जाए, आपको जस्ट लॉग ऑफ एक्स नहीं चाहिए, आपको एफ लॉग ऑफ एक्स चाहिए, एफ लॉग ऑफ एक्स का सम चाहिए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम आपने किस चीज का बनाना है, एफ लॉग ऑफ एक्स का। एफ लॉग ऑफ एक्स कैसे आएगा, सिंपली ये जो लॉग एक्स की वैल्यूज है इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए, 9 को मल्टीप्लाई करें 1.8722, आपके पास आएगा 16.8498, ठीक है।
10 को मल्टीप्लाई करें 1.9754 के साथ आपके पास आएगा 19.7540। 17 को मल्टीप्लाई करें 2.0589 के साथ आपके पास आएगा 35.0013। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। सिंपली आपने फिर क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। 16.8498 प्लस 19.7540 प्लस 35.0013 प्लस 21.2870 प्लस 10.9445 प्लस 8.9672 प्लस 11.4445। ठीक है, सबको ऐड करेंगे आपके पास आएगा 124.2483। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने सिंपली ये वैल्यू ला के इस फार्मूले में पुट कर देनी है। समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, 124.2483। ठीक है, और समेशन एफ जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जगह आपने 60 पुट कर देना है। ठीक है, जब आप 124.2483 को 60 पर डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 2.0708। अब क्या करना है, आपने सिंपली एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग आप कैसे लेंगे, अगेन आप अपने कैलकुलेटर पर आएंगे, ये आपको शिफ्ट बटन नजर आ रहा है, शिफ्ट बटन के साथ आपने लॉग की बटन को प्रेस करना है, आपके पास 10 की तरह का एक सैंपल आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली उसमें अपनी वैल्यू लिख लेनी है जो कि आपकी वैल्यू है, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं मर्जी है आपकी, ये वैल्यू आप लिख लें जो कि है 2.0708। ठीक है, इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा 117.7 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। आपने ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है, अच्छा अब आपने प्रैक्टिस करनी है, और इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे बताएं कि क्या मसला है इसको इसमें। अगर आपको वीडियो में